आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ कुछ जो है ना चीज वो छूट गया था, जैसे कि निशा दीदी का गिफ्ट जो था वो छूट गया था। और हम लोगों ने आप लोगों का कमेंट आया जब तो देखें, और बाद में फिर हम लोग को रियलाइज़ हो गया कि वो भी आप लोगों को दिखा देना ज़रूरी है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारी मासी लोग ने क्या क्या दिया, और वो गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और कल का ब्लॉग जो था वो खाना बनाने के ऊपर था, तो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मम्मी का जैसे कॉल आया था तो फिर उसके बाद से थोड़ा ये इमोशनल भी हो गई थी, और फिर धीरे धीरे करके लेट भी हो गया था कल। तो आप लोग का इतना पॉजिटिव कमेंट आया कि सब अच्छा लग रहा था। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू उन्हीं के गिफ्ट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग। और अब मौसम जो है एकदम ठंडा हो गया है, और अब हम लोग सामान भी अपना पैक कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, जो कि आप लोग को पता चल जाएगा धीरे धीरे। हाय, तो सबसे पहले बिना देरी किए हुए लेके चलते हैं आप लोग को अमनौर से। जो निशा आई थी और पंकज, उनका ये गिफ्ट है। तो अभी हम गिफ्ट रखे हैं, और भी है गिफ्ट मेरे पास, लेकिन इतना आप लोग को दिखा कर ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए कि देखेंगे फिर टाइम मिलेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो और भी दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको दिखा रहे हैं कि निशा हमको एक साड़ी सेट दी है, हमको नहीं इसको रंजना को गिफ्ट की थी, और ये पायल है कि क्या है आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए उनका दुकान का नाम है, यहाँ बैग पे, और ये टन टन है। यहाँ पे देखिए खुल जा सेम, इसमें आप लोग गेस कीजिए क्या है। यहाँ देखिए, तो ये निशा जी पाल दी हैं, यहाँ पे है ऐसा कुछ दिए हैं पालो। बहुत प्यारा है, यहाँ है, बहुत सुंदर है पाल। तो ये निशा दी है पाल। चलिए अब लेके चलते हैं अपने बहन लोग के पास, जो कि मेरी बहन लोग क्या दी हैं आप लोगों को दिखा देते हैं कि वो क्या दी हैं। यहाँ पर एक रिंग है, ये रिंग मिला है, अब पता नहीं कौन बहन दी हैं, लेकिन ये एक रिंग है। और यहाँ पर भी है एक रिंग, जो ये भी मेरी बहन दी है। भीड़ भड़ाके में हमको समझ नहीं आया कौन बहन दी है। एक यहाँ भी है रिंग, मेरी तीनों बहन रिंग दी है। यहाँ पे है एक रिंग, तो तीनों बहन एक सिक्किम रहती हैं, और एक चैनपुर है, एक हसनपुरा है, एक हम है। तो तीन बहन ने गिफ्ट दिया है रिंग रंजना को। तो और यहाँ एक सर आए थे छपरा के, सीपीएस का डायरेक्टर स्कूल वो सर है, उनका वाइफ और वो दोनों जन आए थे लोग, मैम सर, हाँ हस्बैंड और दोनों आदमी सर और मैम आई थी। तो ये घड़ी गिफ्ट किया है लो, छपरा में है सीपीएस स्कूल, उनका डायरेक्टर। यहाँ देखिए पापा जी के दोस्त, हाँ घड़ी है,
और यहाँ पे एक और है चीज़ जो आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे एक नोज पिन मिला है, जो ये नोज पिन दी है प्रिंस के चाची, जो घर पर रहती हैं, पुनीता चाची, ये दी है और कपड़ा दी है साड़ी, तो उनका है ये मुदेखाई। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और सबसे प्यारा गिफ्ट जो था वो ये वाला था, और ये हमारी मम्मी की जैसी हैं, हमको बहुत मानती हैं वो, मेरी माँ तो है नहीं, और उनकी भी नाती हमारे यहाँ पढ़ते थे शुरू से, तो हमको उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, और मेरे बच्चों लोग को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं वो। तो ये देखिए यहाँ पे वो दी थी रिंग, आज है गोल्ड का, आप लोग को दिखाया है जो भी है यहाँ गोल्ड का ही सारा कुछ था। हाँ, सब गोल्ड का, और ये सारा का सारा जो है एक से बढ़ के एक था। तो सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और आप क्या कहना चाहेंगे मौसी लोगों को? सबको थैंक यू। और सब लोगों को आप बोलिए कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग मिलने आइए वापस। ये बिछुआ भी था, अब पता नहीं कौन दिया है कौन नहीं, सब पूरा अभी इस तरह रखे हैं एक थैला में, और भी है तो फिर टाइम मिलेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या मिला है। तो यही होता है फैमिली में, हम लोग शादी विवाह करते हैं तो सारे लोग, दोनों पक्ष के लोग आते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि रंजना की है से इसके लिए जेवर क्या मिला है गिफ्ट में, वो चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके घर से इसके लिए क्या मिला है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पर और खूब सारा एंजॉय कीजिए। और रंजना का ये वाला साड़ी आप लोगों को कैसा लग रहा है? खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हो जाओ, दिखा दो। ये शॉल, शॉल ओढ़ के इससे काम नहीं हुआ हो रहा है, करे शॉल। हम बार बार तो आज जाना था हमको मार्केट, लेकिन देख रहे हैं कि फिर आज लेट हो गए, जाके इसको लाना था कुछ कुछ सामान। तो गाइस हम लोग फाइनली जाने वाले हैं पार्टी के लिए अंबाला, और अंबाला जाने से पहले एक और जगह जाने वाले हैं, वो कहाँ है वो भी आप लोगों को पता चलेगा धीरे धीरे करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ये कैसा लगा सारा गोल्ड कलेक्शन और सारा ये गिफ्ट, आप लोग खूब सारा कमेंट दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय 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 बाय।